Assalam-u-Alaikum, my name is Saleem Akhtar and my YouTube channel Amazon Giant. Welcome to 11th video of Amazon PPC management, which we have an ongoing process in our videos. We have third or fourth of November ki jo hamare paas reports hai usko dekhenge kaise hai. Last episode jo I think 10th thi, 10th video wo first or second thi. Aaj hum third or fourth ko dekhne ja rahe hain jisme hum dekh sakte hain to competition increase hone ki wajah se ye ROAS jo hai na wo relatively decrease hua hai. Ye to jo हमारा डेंटल सेट है उसकी तो 1 पॉइंट से ऊपर है ROS. बस ये एक सीजर है हमारे पास, उसकी ये नीचे चली गई है. देखते हैं उसको. हम इन चारों जो कैंपेन्स हैं उनको बारी-बारी खोलते हैं. अब इसमें हमारे पास एक SNA और कैटेगरी है, तो हमने एक्चुअली जो कैटेगरी तो बाद में करेंगे, जो हमने एसएन को किया है ना इसको हम देखते हैं. एक एसएन यहां पे ये है और यहां पे इसका दूसरा है और यहां पे हमारी सीजर जो है लॉन्ग टर्म वाली है, लॉन्ग टेल वाली, सॉरी. अच्छा, अब इसमें देखें कि सेकंड और थर्ड और ऑफ नवंबर को यहां पे क्या हुआ. लें जी, ये हमारे पास है जी एसएन टारगेटिंग. एसएन टारगेटिंग हम देख सकते हैं कि इस एसएन के अगेंस्ट हमारी जो स्पेंडिंग हुई है ना वो 32 और 6 ऑर्डर्स आए हैं और 55 की सेल है, 1.69 है. ठीक है जी, एसएन को अब आप क्या देख सकते हैं कि हमारे 28 क्लिक्स हुए हैं इस एसएन. अब ये एसएन क्योंकि ये इसको अगर हम ऐसे करते हैं, ये एसएन बहुत से इसकी रिव्यूज हैं इसमें amazon.com में, तो इस ये देखें इसके 33,540 रिव्यूज हैं और इसके ये करंटली अनअवेलेबल. यहां पे हम लगाएंगे यूएसए का कोड, पोस्टल कोड, और यहां पे देखें जी कि ये अब इसके अगेंस्ट यहां पे एक एसएन है. जैसे ये देखें, दिस इज न्यूअर वर्जन, ये इसने भी एसएन टारगेटिंग किया हुआ है. अब हमारा यहां पे इसके साथ नहीं आ रहा है, हमारा जो डेंटल है वो इसके साथ नहीं आ रहा है. वो Amazon प्रायोरिटाइज करता है, कभी किसी का दिखाता है कभी किसी का. अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब शायद ये देखिए ये हो गया. Amazon यहां पे भी दिखा देता है और कभी-कभार जिसने इस एसएन के अगेंस्ट अपनी एसएन टारगेट लगाई तो यहां पे भी लगा देता है. ये देखिए ये आ गया इनिटियो वाटर फ्लॉसर, यहां पे भी एसएन टारगेटिंग से दिखा दे. कहीं ना कहीं Amazon ने दिखाना होता है इसको. अच्छा ठीक है जी, एसएन का तो हम यही देख सकते हैं. अब उसके बाद साइज टर्म्स में देखें, यहां टारगेटिंग हमने ये किया हुआ है. साइज टर्म्स यहां पे आते हैं, 3 और 4 नवंबर को हमारा स्पेंड हुआ है 50 और रिट्रीव ये यानी सेल्स हुई है 73 डॉलर्स की, 1.44 इसमें हमारा जो ROAS है. अच्छा ये ब्लैक डेंटल फ्लॉस पिक्स, अब ये देखते हैं कि ब्लैक डेंटल फ्लॉस पिक्स क्या है ताकि हम उसमें ब्लैक डेंटल फ्लॉस पिक्स में ये देखें ये आ रहे हैं ब्लैक डेंटल. इसमें हमारा आने का कोई मकसद नहीं है. तो अब डेंटल फ्लॉस तो फ्रेज है ना, अब इसके अगेंस्ट हम ये जो इसको एग्जैक्ट नेगेटिव में भी डाल देते हैं और नेगेटिव फ्रेज में भी डाल देते हैं. अगेन डेंटल फ्लॉस, डेंटक डेंटल फ्लॉस पिक्स, ये भी हमारा इसको भी हम एग्जैक्ट नेगेटिव में और नेगेटिव फ्रेज में डाल देंगे. ले जी डेंटल क्लीनिंग टूल्स, अब ये तो हमने टूल्स डाला हुआ है ना उसको फ्रेज में डाला हुआ है, तो ये 2.98 स्पेंड और 3 इसका प्लस 3 है इसका ROS. ठीक है, डेंटल फ्लॉस बल्क, इसकी मुझे समझ नहीं है डेंटल फ्लॉस बल्क क्या है, तो इसको हम
पहले देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के साथ मिलती है कि ये नहीं मिलती है। बल्क में नहीं है, डेंटल फ्लोस बल्क को हम नेगेटिव एग्जैक्ट में और नेगेटिव फ्रेज दोनों में और एग्जैक्ट में हम इसको डाल दें। अच्छा आगे है जी डेंटल फ्लॉस पिक्स। डेंटल फ्लॉस पिक्स भी जो है ना वो भी रिलेटिवली एक इस किस्म की आइटम है, डेंटल फ्लॉस पिक्स। ये देखिए इसमें भी हमारी को प्रोडक्ट, चले हम कहते हैं कि हम इसमें लूज अभी नहीं करते क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेंडिंग होगी फिर ये आएगा, तो डेंटल फ्लॉस पिक्स को हम एग्जैक्ट में कर देते हैं, फ्रेज में नहीं करते हैं कि फ्रेज में ये अभी भी शो हो। डेंटल फ्लॉस पिक्स में जी डेंटल फ्लॉस टिक्स इसमें अच्छी हमारी है डेंटल। अच्छा ये डेंटल फ्लॉस का फ्रेज लगाया है तो इसके अगेंस्ट कस्टमर ने जब ये सर्च किया तो हमारी प्रोडक्ट हुई। अगर हम इसको फ्रेज में लगाएं डेंटल फ्लॉस टिक्स को, अगर हम ऐड की वर्ड को एग्जैक्ट में चलो नहीं लगाते, हम ब्रॉड और फ्रेज में लगाते हैं सजेस्टेड के साथ, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा डेंटल फ्लॉस टिक्स भी हो गया। आगे आए जी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें काफ़ी हमारा स्पेंडिंग हो रही है लेकिन ठीक है। डेंटल किट, डेंटल किट ओरल केयर टूल्स, डेंटल किट ओरल केयर टूल्स को भी मैं चाहता हूँ कि हम ऐड अ कीवर्ड करें, एग्जैक्ट में नहीं करें ब्रॉड और फ्रेज में करें। डेंटल किट ओरल केयर टूल भी चला गया। प्लेग रिमूवर, डेंटल प्लेग रिमूवर टूल जी ऑलरेडी हमारा पहले ये भी है उसमें कीवर्ड्स टारगेटिंग में। डेंटल स्क्रेपर फॉर टार्टरर प्लेग, डेंटल टूल्स फॉर प्लेग, स्पेंडिंग है इसकी। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेंडिंग डेंटिस्ट के टूल ये चीज़ें में नहीं आ रहा, स्पेंडिंग हुई जा रही है ठीक है। आगे डेंटल टूल्स बाद पर्सनल डेंटल किट, इनमें ओहो रीच डेंटल फ्लॉस हमें काफ़ी लॉस कर रहा है, इसको हम नेगेटिव और फ्रेज और एग्जैक्ट दोनों में कर देते हैं। बट स्कूप डेंटल फ्लॉस किट ठीक है, अभी रहने दें, इसके अगेंस्ट हमारी स्पेंडिंग हुई है और सेल भी हुई है। टीथ स्क्रेपर फॉर प्लेग ठीक है जी। विजुअल डेंटल फ्लॉस इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, फिर इसको नेगेटिव में डालने से पहले लें जी। ये है जी ये तो कोई कैमरे वाला शायद, ये कोई शीशे वाला है, तो इसको भी हम नेगेटिव एग्जैक्ट में भी और नेगेटिव फ्रेज और एग्जैक्ट दोनों में हम इसको डाल देंगे। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। आगे ये टूल है इसके सर्च टर्म्स में, इसके ऊपर स्पेंड हुआ है जी 50 और 82, रिट्रीव हुआ है डबल भी नहीं हुआ है, तो काफ़ी ये ठीक है जी। बायोग्रेडेबल डेंटल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, ये भी और इसका ओहो अच्छा इसका और दोनों चले गए नेगेटिव में। अब यहाँ पे अगर हम कर्सर ले तो क्या हुआ, नेगेटिव फ्रेज और नेगेटिव एग्जैक्ट में चले गए। करवाडा डेंटल पिक्स ये भी दोनों नेगेटिव में है। डेंटल डेंटेक किट फ्लॉस ये पिछली दफा भी इसको फ्रेज में भी और हम नेगेटिव में एग्जैक्ट और दोनों में नेगेटिव में डाल देंगे। डेंटल ब्रश पिक ये भी जाएगा, ये हमारे नेगेटिव एग्जैक्ट में भी और नेगेटिव फ्रेज में भी जाएगा। डेंटल मिरर एंड पिक ठीक है जी, डेंटल मिरर विद लाइट ठीक है चल रहा है ये। डेंटल पिक पाउच, डेंटल पिक पाउच क्या है जी, आगे रख देखते हैं इसको। डेंटल पिक पाउच डेंटल पिक पाउच ठीक है जी, ये चलता रहे इसमें अभी। एंड डेंटल पिक सेट माशाल्लाह स्पेंडिंग भी हो रही है। डेंटल पिक सेट ब्रॉड में, डेंटल पिक सेट ब्रॉड में, लेकिन देखिए ना ये स्पेंडिंग हो रही है 2.3 की, कोई मेजर स्पेंडिंग नहीं है तो जो है उसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे ये सारी माशाल्लाह स्पेंडिंग भी हुई है। डेंटल पिक्स फॉर ब्रेसियर, डेंटल पिक फॉर टीथ, अच्छा डेंटल पिक फॉर टीथ इसको देखते हैं कि ये हमारा पहले लगा हुआ है कि नहीं लगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है ठीक है। ये अच्छा डेंटल पिक्स फॉर टीथ भी है, डेंटल पिक्स फॉर टीथ क्लीनिंग
इसको देखते हैं कि ये है या नहीं। ये भी हमारे पास है कि दिस कीवर्ड मैच टाइप कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी। अब उसके बाद डेंटल प्लेक पिक, डेंटल टूल्स, डॉक्टर डेंटल पिक्स, डॉक्टर डेंटल पिक्स ये लगा रहे अभी। गम सॉफ्ट, ठीक है जी, किसी ने ले लिया तो लगा रहा है ये भी। चाह जी ये नहीं है हमारी चीज़ हमारे पास, इसको एग्जैक्ट में भी जाएगा और फ्रेज में भी जाएगा। लें जी डेंटल स्क्रैपर, ये भी हो गया हमारा। अब मैक्सिमम हम यही कर सकते हैं कि जो स्पेंडिंग वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम नेगेटिव में डाल रहे हैं। लें जी आगे आ जाए हमारा थर्ड और फोर्थ ऑफ नवंबर को सीजर्स की हाल देखते हैं। बहुत लॉस लूज हुआ या 64 स्पेंड और 15 सेल हुई है। रीजंस देखते हैं, बार्बर सीजर्स, बियर्ड सीजर्स, सॉरी ब्रॉड में बियर्ड, बार्बर बियर्ड सीजर्स, यहाँ पे स्पेंड भी हुआ, यहाँ पे बार्बर सीजर्स फॉर बियर्ड कंपटीशन हाई है, तो हम इसको भी अभी एग्जैक्ट इसमें भी डाल देते हैं। हम इसको भी, इसको एग्जैक्ट में किया, फ्रेज भी नहीं किया। अगर कोई बंदा सीयर्स सीजर्स फॉर बियर्ड, बार्बर सीजर्स फॉर बियर्ड लिखता है तब भी ये आएगा। बियर्ड किट सीजर्स, अच्छा किट में ये देखें हमारा अलहमदुल्ला ये सांप सेल भी हुई है, अभी रहने देते हैं। ये हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया इसने, £20 डॉलर सेपरेट स्पेंड हुए फ्रेज में, बियर्ड सीजर्स फ्रेज में। इसको अभी बियर्ड सीजर्स की एग्जैक्ट को बंद कर देते हैं, बियर्ड सीजर्स की फ्रेज को नहीं, बियर्ड सीजर्स की इधर एग्जैक्ट को, ठीक है ना। अच्छा जी बियर्ड सीजर्स फॉर मैन 7, बियर्ड सीजर्स फॉर मैन, इसके भी एग्जैक्ट को नेगेटिव करते हैं। ब्रॉड में भी हमारे पास स्कोप है, बियर्ड सीजर्स, हेयर ट्रिमिंग सीजर्स, यहाँ पे मोस्टेज सीजर्स फ्रेज, मोस्टेज सीजर्स फ्रेज ये भी हमें दे रहा है, तो उसको भी एग्जैक्ट को बंद कर देते हैं। नीचे हैं जी बियर्ड सीजर्स, सीजर्स फॉर बियर्ड ट्रिमिंग, ये है तो ये अच्छी है लेकिन चलें इसको भी रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे हेयर ट्रिमिंग सीजर्स, फिर ये तो हेयर ड्रेसिंग सीजर्स है। अब ये हेयर ड्रेसिंग सीजर्स को ब्रॉड में हमने, ब्रॉड में भी हमने इसको, और ये भी वही है ब्रॉड में, बियर्ड सीजर्स टाइटेनियम, ये तीनों नहीं है एक, तो इसको मैं नेगेटिव में, नेगेटिव में। अब बाकी रह गया ये, इसकी मैं मेन को बंद करना चाहता हूँ। ये तो कस्टमर के कीवर्ड है ना, ये जो मैंने लगाया हुआ है इस कीवर्ड्स को मैं ले जाता हूँ अपने टारगेटिंग में। ये बियर्ड सीजर नहीं है, ये हेयर ड्रेसिंग सीजर है। लें जी इसको मैं ब्रॉड में भी बंद कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसकी। अच्छा अब इसमें इसकी कैटेगरी को भी हम लगा सकते हैं, अगर ऑल में जाए ऑल कंपेन में हम इसकी कैटेगरी की भी लगा सकते हैं ताकि ये यहाँ पे आए। इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाने जाने वाला हूँ, बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी की, ये तो एसएन टारगेटिंग है ना, और यहाँ पे लॉन्ग टेल। अब एसएन में तो अभी 12 एसएन में डाले हैं लेकिन इसमें कोई सेल नहीं हुई है, तो अब इसको मैं कैटेगरी में भी लगाऊंगा और उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम।